नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये शेयर बाजार है दोस्तों, यहां पे खराब चीजें ढूंढो खराब मिलेंगी, अच्छी चीजें ढूंढो अच्छी मिलेंगी, और हर बंदे का अपना व्यू मिलेगा और हर व्यक्ति यहां पे जो भी ट्रेड लेता है उसे लगता है यही सही सौदा था। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, ये एक शेयर बाजार का कोड भी है जहां पे कहा जाता है कि अगर आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो ना, आप लग रहे हो कि आपसे बड़ा कोई बादशाह ही नहीं है बाजार में, तो बस इतना समझ लेना कि आप जब कोई सौदा खरीद रहे हो तो कोई बेच रहा है, और जब आप कोई सौदा बेच रहे हो तो कोई खरीद रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने सौदा दे दिया, किसी ने लिया ही नहीं, पड़ा है रोड पे लेकिन आपका बिक गया। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने खरीद लिया और किसी ने बेचा ही नहीं है। तो यहां दो लोगों के दिमाग में हमेशा जंग रहती है, कौन जीतता है वो तो वक्त बताता है। इन्वेस्टमेंट में तो कभी कभार दोनों लोग पैसा बना लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में तो हमेशा दोस्तों याद रखना ये गेम है जीरो सम गेम। एक हारेगा तभी एक बनाएगा। इन्वेस्टमेंट में सब बना लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कंपनी ग्रो करती है, वो एक अलग कहानी होती है। अब मैं बढ़ता हूं टॉपिक की तरफ। आईटी स्टॉक्स, सब कुछ खराब चल रहा है इस सेक्टर के लिए। 2021 की जो रैली थी ना, उसमें मेरे को लगता है हर एक व्यक्ति ने आईटी स्टॉक्स में पैसा लगाया। जिस कदर आज रेलवे और डिफेंस को लेकर हर कोई बुलिश रहता है, खरीदना चाहता है, पैसा बनाया है, उसी तरीके से 2021 में आईटी में सबने पैसा बनाया था। और आईटी तो सदाबहार है, एवरग्रीन है, आप क्लियरली देखते हो कि फ्यूचर इज ऑल अबाउट आईटी, एआई आईटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या, ज्यादा से ज्यादा मशीन्स पे फोकस कर रहे हैं। पहले के जमाने में आदमी पैदल चलता था, अब साइकिल आई, फिर गाड़ी आई, अब गाड़ी में भी ना जाने क्या क्या चीजें आ रही हैं। आने वाले समय में शायद हो सकता है उड़ने वाली कार आ जाए, ठीक है जी। तो ये तो सब क्या टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो होगा। डॉक्टरों के पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आने लगे हैं जो पहले आपका काम बड़ी देर में होता था वो तुरंत हो रहा है। पहले आपको बहुत कुछ सहना पड़ता था, दर्द वगैरह, तुरंत हो जाती हैं चीज़ें। तो ये क्या, ये टेक्नोलॉजी है, ये धीरे धीरे इंप्रूव करती रहेगी अपने आप को, ठीक है जी। तो आईटी को लेकर ज़्यादातर 2021 के बाद हमने नेगेटिव ही देखा है। सबसे पहले हमने देखा कि आईटी स्पेंड कम हो रहा है, ठीक है जी। फिर हमने 2022 के मिड से एंड में देखा कि यूएस में तो रिसेशन आ सकता है भाई साहब, आईटी का तो बुरा हाल है, क्योंकि इनकी बड़ी कमाई तो यूएस यूरोप से होती है, तो आईटी पिटारा। 2023 में उम्मीदें जगी कि ठीक है रिसेशन तो नहीं आया है, लेकिन रेट कट जब होंगे तब ग्रोथ आएगी। 2023 भी चला गया, कुछ नहीं हुआ, आईटी में नेगेटिव ही रहा। 2024 होप आई कि आईटी चल सकता है, दो साल हो गए, एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, चले नहीं है, चलना चाहिए अब, और रेट कट भी होंगे इस साल, चलना चाहिए। आईटी चला लेकिन टूट गया। अब यूरोप ने फाइनली रेट कट कर दिया है, और यूएस में कम से कम दो नहीं तो एक रेट कट तो इस साल होगा ही होगा, ऐसा दिखने लगा है। दो रेट कट भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक तो होगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं 2021 के बाद से। और ज्यादातर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो मेन बंदे होते हैं, उनसे आप टीवी पे इंटरव्यू सुनते होंगे, वो यही कहते हैं कि आईटी पे हम अंडरवेट हैं, आईटी हमें उतना पसंद नहीं आ रहा है, जो चीज़ चल रही है हम उसको फोकस में करेंगे। एक आध आता है जो कहता है आईटी चल सकता है, आईटी चला नहीं है, तो ये टिप्पणी चलती रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार एक और रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं कि आईटी कैन बी अ डार्क हाउस, यानी कि यही एक ऐसी थीम है जो निकल के आ सकती है सामने, उभर सकती है। जहां पे क्या कहा गया है एक बार बता दूं, फाइनल बजट 2024 आईटी सेक्टर इज करंटली अ डार्क हाउस। नवीन कुलकर्णी, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो ये काफी बुलिश दिख रहे हैं। ये चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं एक्सिस सिक्योरिटीज पीएमएस में, तो इन्होंने आईटी को लेकर पॉजिटिविटी जताई है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अपन क्या करेंगे, अपन तो देखो बुलिश हैं आईटी पे, 2021 से, 2019 से, 2020 से हर समय पैसा लगाया और पैसा बनाया, पैसा टूटता है नहीं, डूबता है नहीं। बीच बीच में नेगेटिविटी आती है, डराते हैं, धमकाते हैं, गिरते हैं, लॉस दिखाते हैं, लेकिन वो टिकता नहीं है, यही मार्केट है, ये तो करना ही पड़ेगा। शेयर बाजार है, ऐसे जाता नहीं है, यहाँ ऐसे 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 ही जाता है, ठीक है। अभी मैं आईटी की बात करूँ तो पसंद क्या है, पसंद लार्ज कैप है, पूरा लार्ज कैप, चाहे वो TCS हो, HCL टेक हो, टेक महिंद्रा हो, विप्रो हो, कोई भी लार्ज कैप हो पसंद है, इन्फोसिस हो पसंद है, ठीक है जी। टॉप चुनने के लिए कहोगे तो इन्फोसिस बहुत अच्छा लगेगा, आप देख सकते हो TCS या फिर
आप देख सकते हो HCL Tech जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो अच्छा लगेगा। आप मिड कैप में बात करोगे तो टाटा LXI बहुत अच्छा लगेगा। आप LTI Mindtree या LTTS में से किसी पे फोकस कर सकते हो, अच्छा लगेगा। वैल्यूएशंस को जरूर ध्यान में रखिएगा, दैट्स इट। अब यहां से क्या हमें सबसे ज्यादा क्लोजली वॉच करना है वो है रिजल्ट्स, और रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है जुलाई 12 जुलाई को HCL Tech अपने नंबर प्लस डिविडेंड पेश करेगा। अच्छा, आईटी स्टॉक डिविडेंड भी अच्छा खासा देते हैं। यहां पे डेट आई है, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं HCL Tech ने क्या कहा है। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हैं 12 जुलाई को, साथ ही साथ डिविडेंड भी है। इन्फोसिस ने कहा है कि भैया 18 जुलाई को आने वाले हैं नंबर प्लस डिविडेंड। नंबर की बात आई है, डिविडेंड की नहीं आई थी इन्फोसिस से। तो इन्फोसिस 18 जुलाई को रिजल्ट्स हैं केवल। तो दो बड़ी कंपनियों के नंबर तो आने वाले हैं, जैसे आएंगे पूरे आईटी का अनुमान लगा लेंगे हम। बट अभी के लिए इतना ही है कि बैठे रहो, इन्वेस्टेड रहो और गिरावट में खरीदते रहो, दैट्स इट। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।